नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनुप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने आयकर से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एक और डिस्कशन लेकर के। और आज का जो टॉपिक है सर, वो है मकान संपत्ति पर बढ़ाई गई आयकर छूट कैसे क्लेम करें। एक्चुअली हम सब जानते हैं सर कि रीसेंट बजट जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया, उसमें सरकार ने कहा है कि सर हम 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन और देंगे हाउसिंग लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट के संदर्भ में। तो मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है सर कि मैं आपके सामने उस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड जो भी निटिग्रिटी है, जो भी डिटेल्स हैं, उसको सामने रखने का कोशिश करूं। तो मेरे आगे के डिस्कशन में सर इन्हीं विषयों पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सर के अभी तक का प्रावधान क्या है, ये पहला प्रश्न है जो हमारे को समझना है कि वर्तमान में यदि मैं मान लूं कि आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या बनाते हैं और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी आप स्वयं उसमें रहते हैं, तो प्रेजेंट इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन अब तक ये कह रहे थे कि आप उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के संदर्भ में लिए गए हाउसिंग लोन के संदर्भ में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मैक्सिमम ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो सर अब जो हम ये 1.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो इसी 2 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा क्लेम करने संबंधी प्रावधान है। अब नया क्या प्रस्तावित है सर? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि नया प्रावधान जो सरकार लेकर के आ रही है, वो सरकार ये कह रही है कि सर हम आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन और देंगे ओवर एंड अबाउ ₹2 लाख। लेकिन बात ध्यान रखने की क्या है सर, ये 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलेगा, ये आपको चैप्टर 6 है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, उसमें एक डिडक्शन यानी कटौती के रूप में दिया जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ सकता है सर? यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई डिडक्शन मिलता है तो उसकी वजह से कोई नेगेटिव इनकम भी बन सकती है और वो किसी और हेड की इनकम से भी एडजस्ट की जा सकती है। लेकिन यदि कोई डिडक्शन आपको कटौती के रूप में चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है तो वो आपको वास्तविक रूप में तभी मिलेगा जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पॉजिटिव है। यानी यदि किसी की ग्रॉस टोटल इनकम ही नहीं रह पाती तो उसको सर इस प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। परंतु मैं इसे यहां पर सर नेगेटिवली नहीं रखना चाहता। आप ये मान के चलिए कि बाय डिफॉल्ट एक व्यक्ति एलिजिबल है और वो ये 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन कैसे क्लेम करेगा, ये हमें यहां पर डिस्कस करना है। अब देखिए सर, इस नए प्रावधान की शर्तें क्या हैं? तीन महत्वपूर्ण शर्तें हैं सर इस नए प्रावधान की। केवल व्यष्टि यानी इंडिविजुअल करदाता को ही इस छूट का लाभ मिलेगा, यानी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, अदर असेसीज, उसको सर इस ATEE जो नया डिडक्शन का सेक्शन लेकर के आए हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। छूट की राशि सर 1.5 लाख रुपए तक की ब्याज की राशि होगी एंड ये सर उस 2 लाख रुपए की राशि के अलावा होगी। यानी यदि कोई मुझसे कहता है नहीं कि सर हमारा 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का ब्याज जा रहा है, 2 लाख प्लस 1.5 लाख से ऊपर, तो सर उसको मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए ही एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। और तीसरा सर, ये हालांकि शर्त के रूप में सेक्शन में मेंशन नहीं है परंतु मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो असेसी है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। यानी एक नॉन रेजिडेंट असेसी को भी इस सेक्शन का बेनिफिट सर यहां पर मिल सकता है। अब ये देखिए सर, मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण के थ्रू आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं जिन्होंने 1/4/2019 को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी सर 43 लाख रुपीज में, ठीक है। इसके लिए इन्होंने किसी बैंक से 40 लाख रुपए का लोन करा लिया। उस लोन की इंटरेस्ट रेट सर 8.5% थी। उस पर्टिकुलर लोन के ऊपर जो ईएमआई आई, मान लीजिए वो 34,713 रुपए की ईएमआई आती है, और यदि मैं उनका एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैलकुलेट करूं तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट की राशि साल की 3,36,000 आएगी। अब इस 3,36,000 रुपए की राशि में से सर यदि ये प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 24 क्लॉज B में उन्हें 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा और इस नए सेक्शन ATEE की वजह से उनको 1,36,000 रुपए का डिडक्शन और मिल जाएगा चैप्टर 6 के अंदर। तो ये सर जो बात है, आप अगर इसे प्रीवियस टर्म में देखेंगे कि यदि यही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन्होंने 1/4/19 की जगह 1/4/18 को बनाई होती तो और सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो उन्हें केवल 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता। लेकिन ये नया प्रावधान जो ATEE आया है वो 2 लाख रुपए तो सर उनको मिल जाएंगे 24 क्लॉज B में, और जो एक्स्ट्रा 1,36,000 रुपए मिस्टर ए ने दिया है सर
उसका डिडक्शन उन्हें इस नए सेक्शन की वजह से मिल जाएगा। तो वास्तविक रूप में सर ये वो बेनिफिट है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू सरकार देने जा रही है। अब इसी 80EEA से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न सर इस समय मार्केट में चल रहे हैं कि यार ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और कुछ और क्वेश्चंस जो यहाँ पर उससे जुड़े हैं, मैं उनका प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्या आवासीय संपत्ति खरीदना आवश्यक है? सर ये आप समझिएगा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में, क्या खरीदना आवश्यक है। और यदि आप मेरा लास्ट प्रश्न देखेंगे तो मकान बनाने पर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनफॉर्चुनेटली सर जो लॉ की लैंग्वेज है वो खरीदने से रिलेट कर रही है खुद को, वो बनाने से रिलेट नहीं कर रही। तो मुझे अगर लॉ की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देने को कहा जाएगा तो आई विल से ये सर, अगर आप मकान खरीद रहे हैं तभी आपको 80EEA का डिडक्शन मिलेगा। यदि आप किसी जमीन के ऊपर मकान बना रहे हैं जो आपने ऑलरेडी ले रखी है या आप नई लेकर के बना रहे हैं, तो सर आज की जो लॉ की लैंग्वेज है वो उस डिडक्शन को देती हुई नहीं दिखती है। परंतु मुझे लगता है सर कि एक लिबरल इंटरप्रिटेशन ली जानी चाहिए, और आप चाहे मकान खरीदें या जमीन खरीद करके उस पर मकान बना लें तो भी सर आपको ये डिडक्शन मिलना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर, जरूरी नहीं है सरकार इसको ऐसे ही फॉलो करे, लेकिन प्राइमा फेसाई सर सरकार मकान खरीदने पर जोर दे रही है। अब देखिए सर अगला प्रश्न, आवासीय संपत्ति की लागत कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का भी उत्तर इस सेक्शन में नहीं है। इस सेक्शन में यह कहा गया है सर कि आपकी संपत्ति की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 55 लाख रुपए में एक मकान खरीदा जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इवेल्युएटेड वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है सर हम सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टैम्प रजिस्ट्रार होता है, उपपंजीयक जो होता है, उसके पास जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर संपत्ति को इवेल्युएट करता है। तो मान लीजिए मैंने एक संपत्ति खरीदी 55 लाख की जिसकी इवेल्युएटेड वैल्यू थी 42 लाख, परंतु मैंने 55 लाख में खरीदी, तो सर क्या वो मकान एलिजिबल होगा? मेरी ओपिनियन में सर एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है तो मैं छूट का हकदार हूं। आगे देखिए सर, यदि एक से अधिक मकान पहले से हैं तो क्या छूट मिलेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर सर मैं नेगेटिव देना चाहूंगा। ये छूट उन्हीं को मिलेगी जिनके नाम पहले से कोई मकान नहीं है। अब कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है सर कि मेरे नाम तो एक संपत्ति है, अब मैं अपनी वाइफ के नाम से एक मकान लेना चाहता हूं तो क्या फिर मेरी वाइफ के हैंड्स में हमारे को सेक्शन 80EE का डिडक्शन मिलेगा? सर मेरी ओपिनियन में क्योंकि लॉ फैमिली तक नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए ही है, तो सर प्राइमा फेसाई ये छूट स्पाउस के केस में स्पाउस को मिल जानी चाहिए। कटौती की राशि कितनी है सर? कटौती की राशि है आपने 2 लाख रुपए के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन इस सेक्शन में मिलेगा। अगला प्रश्न है सर, क्या लोन लेना आवश्यक है क्या? ठीक है सर, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में सफिशियंट मनी है और मैं उस मनी से ही मान लीजिए 44 लाख का एक मकान, 44 लाख का मकान खरीद लेता हूं और मैंने कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो अब मुझे सेक्शन 80EE के क्या डिडक्शन देगा? आंसर इज नेगेटिव सर। आप यदि लोन लिए बिना कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेक्शन में सर डिडक्शन है ही ब्याज का। यदि आपकी ब्याज की लायबिलिटी नहीं है और वो भी 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो आपको ये सेक्शन कोई बेनिफिट नहीं देगा। अब देखिए सर इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में फर्दर कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि क्या किराए पर दी गई संपत्ति के लिए भी 80EE की कटौती मिलेगी? बिल्कुल सर, यदि आपने जो संपत्ति खरीदी है उस रेजिडेंशियल हाउस को आपने फर्दर किराए पर दे दिया तो भी सर मेरी ओपिनियन में आपको 80EE की कटौती मिलती रहेगी। लॉ ये नहीं कह रहा कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको आपको फर्दर रहने के काम में ही लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में अब तक रह रहा था, सर्विस कर रहा था, अब मेरी दिल्ली पोस्टिंग हो गई तो मैंने जयपुर वाले जो मकान नया खरीदा है उसको तो किराए पर दे दिया और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ फर्दर किराए पर, तो जयपुर वाले मकान के लिए मुझे 80EE की कटौती मिलेगी। और अगर मैं दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा हूँ तो वहां पर सर मेरे को HRA का डिडक्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सर, क्या सेक्शन 24 क्लॉज भी एम 80EE की छूट एक साथ ली जा सकती है? बिल्कुल सर, आपको 24 क्लॉज बी की छूट मिल जाएगी 2 लाख रुपए की, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए है वो 80EE के अंदर मिलेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिए सर, सेम राशि की छूट आपको दोनों सेक्शन में नहीं मिलेगी। जैसे यदि मुझे कोई बोले सर मैंने 1.5 लाख की टोटल ब्याज दिया है तो क्या वो दोनों जगह मिल जाएगा? नहीं सर, एक ही जगह आपको वो डिडक्शन मिलेगा।
एक और प्रश्न, क्या कटौती डिडक्शन आगे की वर्षों में भी मिलता रहेगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस संदर्भ में सर, कि जो ATEE डिडक्शन देने जा रहा है वो आपको केवल एक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए नहीं है, 2021-22, 22-23 ऑनवर्ड्स भी आपको ये डिडक्शन मिलता रहेगा, जब तक आप इस पर्टिकुलर लोन का इंटरेस्ट का भुगतान करते रहेंगे और राशि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख से ज्यादा चलती रहेगी। क्या ब्याज की राशि का वास्तविक भुगतान अनिवार्य है? तो सर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस संदर्भ में कि ब्याज की राशि का वास्तविक भुगतान करना है, ऐसा लॉ कहीं पर भी नहीं कह रहा। तो आपने यदि वास्तविक भुगतान नहीं भी किया सर, आपका अमाउंट पेबल भी है, तो भी सर आपको ये पर्टिकुलर डिडक्शन यहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, लोन लेने की क्या कोई समय सीमा है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। जो लॉ लिखा गया है ATEE जो सेक्शन बनाया वो ये कहता है सर, आपका लोन 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में सेंक्शन हो जाना चाहिए। अब मैं इसके कई कॉम्बिनेशन बना सकता हूं सर। मान लीजिए मैंने कोई लोन सेंक्शन करा लिया था मार्च 2019 में, क्या वो लोन एलिजिबल होगा? प्रैक्टिकल आंसर इज नो। मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मार्च 19 में ही खरीद ली थी, ठीक है, और उसका लोन मैंने बाद में कराया, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने खुद के पैसे दे दिए, अब मैंने हाउसिंग लोन करा लिया, तो लॉ जो कह रहा है सर वो सेंक्शन का पीरियड बोल रहा है, वो खरीदने की डेट नहीं बोल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को लगता है हाँ सर डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 को कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या वो इस सेक्शन के लिए एलिजिबल होगी? नहीं सर, क्योंकि जो सेंक्शन का पीरियड है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ही है। तो जो भी लोन होगा सर वो इसी वित्त वर्ष के बीच में होगा। यदि इसके आगे या पीछे का लोन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में छूट मिलने की संभावना नहीं दिखती। और एक अंतिम प्रश्न सर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या रिश्तेदारों से लोन लेने पर ATEE की छूट मिलेगी? इसका भी उत्तर सर नेगेटिव है। लॉ ये कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सर बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में NBFC हो सकती है, यहां तक कि आपका एम्प्लॉयर भी यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उससे लिया गया लोन आपको इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं देगा सर। तो ये कुछ प्रश्न सर मुझे लगे जो मैं आपकी नॉलेज में लेकर के आऊं। आगे चलता हूं सर मैं यहां से, और अंत में सर मैं आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और यदि आपके ATEE से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं जो भी मेरी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है उससे उनका आंसर देने की, आप तक उनका एक सही उत्तर पहुंचाने की निश्चित रूप से कोशिश करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।